भी खेलिए। अरे वहां नहीं, यहां। मेरी आंखें तो बंद कर, लुक्का छिपी कैसे खेल। साउथएक्स वाली फाइल लेकर आओ जल्दी। उतने छोटे से रोशनदान में निकलने की कोशिश कर रहा था। यार निकल भी सकता हूँ शायद, तेरे को नहीं पता जब मैं सातवीं क्लास में था ना तो एक बार छोटे से पाइप से निकल गया था। ओए तब तू छोटा था, अब तू मोटा हो गया है। तू भी ना यार कमाल। मम्मी वो यहाँ से निकल चलते हैं, कहीं अगर जीजा जी ने देख लिया ना वो फिर से फंस जाएंगे। हम यार छत पे जाके छुप जाते हैं और जब तक जीजा घर पे ना उसके सामने नहीं आएंगे, ठीक है? हाँ गुड आइडिया। चल यार ये दारू तो नहीं है यार, कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है, अच्छी सी क्या है कि ये? अरे है तो अपना ही सामान है, मैंने ना इसमें थोड़ी सी इलायची डाल दी है। वो क्या कुड़ी का ससुराल है ना, इंप्रेशन गलत नहीं पड़ना चाहिए था। अच्छा अच्छा चल चल छेती चल चल। मुझे तो मान को फायर देनी थी ना। कैसे जाऊंगी, फटाफट चेंज कर लेती हूँ। चलिए आज का दिन अच्छा रहा, मेरा कुछ तो काम हुआ। देव क्या सोचते रहते हैं आप? नहीं बस सोच रहा था कि अच्छा हुआ आपके कॉलेज का सारा काम आज निपट गया। थैंक्स, आज आपने मेरी इतनी मदद की। अरे प्लीज आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हैं? ये तो मेरा फर्ज है राइट? जी चलिए मैं थोड़ा टाइम बाद मिलती हूँ। देव बेटे। दादी माँ। कह दी अपने दिल की बात बेटे? नहीं दादी माँ। दादी माँ मैं अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी बातों में ऐसा उलझा हुआ हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि उनमें से निकलूं कैसे। मैं अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचता हूँ ना तो एक डर सा लगता है मुझे। भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो कभी मुझे वापस उस नरक में ना भेजे। जब भी सोचता हूँ कि मैं इस डर से जीत रहा हूँ, फिर से कोई बात कोई नया डर आके सामने खड़ा हो जाता है। दादी माँ ऐसे में जिंदगी में आगे कैसे बढ़ूं? आपको जिंदगी में आगे बढ़ना होगा देव। बेटे आने वाले कल को हासिल करने की कोशिश कीजिए। यू डिजर्व टू बी हैप्पी बेटा।
अब देखिए नंदिनी आपकी जिंदगी में कितनी खुशियां लेके आएगी, ये तो आपके चेहरे पे भी दिखता है। उसे यूं ही जाने मत दीजिए। जी दादी, मैं आपकी बात याद रखूंगा। आपने मिलता इतनी सारी अंग्रेजी। तेरे को बोला 2 मिनट शांति से खड़ा रहो, नहीं जा सकता। दारू देख के मुंह में पानी आ गया तेरे। किसी को पता नहीं चलेगा, वो जितनी निकालेंगे ना बोतल में उतना ही पानी डाल देंगे, लेवल मेंटेन हो जाएगा। एक लवली जा मारने दे, एक लवली जा। लवली जा वो अगर जिज्जा जी ने देख लिया ना तो मार मार के अपने को लवली बना देंगे। बोलो नाम लिया और आगे। ये जासूस मामा यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कब आए? अरे जासूसी करने का मन किया होगा, आ गए यहाँ पे। मामा जी, देव किससे बात कर रहा? ब्रो वो ये जासूस है। हाँ ब्रो, नहीं मेरा मतलब प्रोफेशनल नहीं है, बस यही शौकिया कर लेते हैं और सोचते हैं कि बहुत बड़े जासूस हैं। इसके अलावा इनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पता नहीं कैसे कैसे नमूनों को हायर किया हुआ हाथी ने। गया बलवंत सिंह, गया। मामा जी आप यहाँ क्यों आए? क्यों आए अभी बता। लकी पाजी हो क्या रहा है और ये मामा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब मैं आपको बाद में बताता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है, उधर चल के बात करते हैं। आ जाओ चलो। अब तो सच में मुझे ऐसा लगने लग गया कि मैं अपनी सारी बातें बोलने लग गया, नहीं तो इससे पहले कभी मैं अपने वॉलेट रूम में नहीं बोला। लेकिन जिंदगी में मैंने अपना कोई भी सामान बेड पे नहीं रखा, तो फिर मेरा वॉलेट यहां बेड पे क्यों? हाँ दी, मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा। सर वो तो ठीक है, लेकिन सर टंडन साहब चाहते हैं कि हम उनके लिए एक 5-स्टार होटल बनाएं। उन्होंने एक साइट भी फाइनल की है सर, वो चाहते हैं कि आप अभी चल के वो साइट देख लें उनके साथ। ठीक है चलते हैं। लेकिन सर हमने शाहबाद वालों को 1 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट दिया है, उनसे मिलना बहुत जरूरी है सर। डोंट वरी आदि, हम ये मीटिंग भी करेंगे और मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। ओके? नहीं सर, एक छोटी सी बात और है सर। बोलो।
सर टंडन साहब चाहते हैं कि गीत भी हमारे साथ वो साइड देखने चले। गीत ठीक है, उसे कहो कि वो तैयार होकर नीचे खड़े रहे, मैं उसे अपने साथ लेके जाऊंगा। ओके नहीं सर, सर एक्चुअली मैं गीत को काफी देर से फोन कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है सर, तो आप जाके गीत को बता देंगे कि साइट पे जाना है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं अपने स्टाफ को मैसेज देता फिर, यही मेरा काम है। प्लीज ठीक है, मैं देखता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। क्या हुआ लकी, यहाँ क्यों बुलाया? ओ जी वो मामा पता नहीं कहाँ चला गया जी, अगर वो गलती से जीजा जी के सामने आ गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जानी है जी। हाँ लकी, हमें देखना हो कि मामा जी ब्रो के सामने बिल्कुल आए। हाँ जी, लेकिन सबसे पहले उसे ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो देखते हैं। हाँ जी। एक मिनट रुको, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम वहां जाओ। ठीक है जी। नकुल बुला, 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 बुला। नकुल एक कुछ वेटर टाइप बंदे को पूछता हूँ। Excuse me, भाई साहब मैं नकुल। ये नकुल ना दादी माँ का चाहता होने का पूरा फायदा उठाता है, जब जरूरत होती है तब गायब हो जाता है, और ऊपर से गीत एक नंबर की लापरवाह है, ऑफिस का फोन नहीं उठा रही। जा घूमने घूमने ले, अभी थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। गल तो सुन यार लकी मेरी, गीत गीत अजीब बेवकूफ लड़की है, फोन होता है अपने साथ रखने के लिए और ये फोन यहां रखे पता नहीं कहां घूम रही है। मैंने तुम्हें फाइल लेकर नीचे आने को कहा था और तुम अभी तक तैयार हो रही हो? नहीं सर। वो 5 मिनट, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तैयार हो, और उसके बाद तुम साइट देखने के लिए मेरे साथ जा रही हो, समझे तुम? जी सर।
करे लकी बीजी मामा जी ने ऐसा किया। आप लोगों को हंसी आ रही है? अरे मामे ने आज मरवाई देना था, पहले तो बैंड बाजे पे एंट्री कर ली, ऊपर से जीजा जी की चुम्मी लेने चला गया, तो वो तो एंड टाइम पे दादी जी ने आके बोल दिया कि ये हमारे गांव के हैं, तो बच गए, वरना आज ना की दीदी समेत हम सबका बोरिया बिस्तर गुल हो जाता। गुल नहीं हो चलिया, गोल है ना बोरिया बिस्तर, गोल है ना गोल मटोल हो जाता मेरी तरह। अजीब टाइप की आइटम है, नहीं मैं सुनाया जा रहा हूँ और खुद भी हंसे जा रहा है। तू मेरे को सुनाएगा? गलती करेगा तो सुनाऊंगा। इधर गैस तू मनु सुनाएगा? तो सुना ला फिर। तू तो मेरा पुत्रू है, मेरा लड्डू है, मेरी जानू है। अच्छा काच 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 मामा तू भी ना यार गिल्ली गिल्ली चुम्मी मत किया कर, कितना बोला है, अगर अब हाथ लगा ना तेरे को गांव भेज दूंगा। ओए ओए गांव से याद आया, ओए ओए पैन ने हमें कभी बताया ही नहीं कि हम मान सिंह की दादी के गांव के, ओए क्या पता पापा जी ने वहां पर दो चार किले जमीन मेरे नाम पे छोड़ी हो। मामा जी वो इसलिए क्योंकि तभी हमें नहीं पता था कि जीजा जी ही हमारी जीजा जी बनेंगे, क्यों लगी बीजी? ये सॉरी ये और बीजी को भी नहीं पता था कि जीजा जी ही हमारी जीजा जी बनेंगे। ओ कुड़िये इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा जो शादी है ना वो जान पहचान के लोगों के साथ करनी चाहिए, अपनी रिश्तेदारी में करनी चाहिए। मतलब देख जीता, पापा जी ने मम्मी के साथ शादी की, चाचा जी ने चाची जी के साथ शादी की, बुआ जी ने फुफर जी के साथ शादी की। पर मामा जी आप किसके साथ शादी करोगे? पुत्र मैं भी तेरी मामी के साथ ही शादी करूंगा। फिर तो तेरे ना बढ़िया सी मामी मैं ढूंढूंगा दिल्ली वाली। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तैयार होने के लिए और उसके बाद तुम साइट देखने के लिए मेरे साथ जा रही, समझे तुम? जी सर। गीत तुम्हारा क्या पता, तुम फाइल यहीं पे भूल जाओ और उसके बाद मीटिंग में कहो कि फाइल गुम हो गई। 5 मिनट, 5 मिनट है तुम्हारे पास। मेरा वहम ही साबित होता।